हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे चैनल द वैली पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आप लोग इतने देर से वेट कर रहे थे, आपका रैंक आ चुका, जो कि मैं मॉर्निंग वीडियो अपलोड किया था कि शाम तक जो अपडेट होगा साइट पे वो आपका रैंक शो करेगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना रैंक, जो रैंक अभी तक आपका स्कोर आया था तो रैंक भी आ चुका है, तो आप अपना रैंक देखिए और बता देंगे आपको कितने रैंक तक रजिस्ट्रेशन करना है, कितने रैंक तक नहीं है। तो आप अपना कमेंट करिए इस वीडियो में, कितना नंबर है आपका, कितनी रैंक है, तो मैं आपको बता दूंगा आपको रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं। देखिए, रजिस्ट्रेशन सबके लिए अप्लाई है, बट काउंसलिंग में अब आपको इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन के बाद आपको काउंसलिंग अलाउ हो जाएगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। तो चलिए हम वीडियो को आगे करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है ऑफिशियल वेबसाइट जाना है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल जैसे ही करेंगे उसके बाद आपका ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल किए, कैप्चा फिल करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। पर्सनल आईडी डिटेल, देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल देख सकते हैं, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्कोर कार्ड, अगर आप लैपटॉप, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया होगा कोर्स प्रेफरेंस का। देखिए इस बार जो है रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है, तो कोर्स प्रेफरेंस एडिट भी आप कर सकते हैं, अगर आपका चॉइस चेंज है तो आप अपने अनुसार कोर्स प्रेफरेंस जो है आप एडिट करने का ऑप्शन है तो आप अभी कर लीजिए 12 बजे रात तक, क्योंकि 1 अगस्त तक ही केवल डेट दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा आपको डेट नहीं मिलेगा, तो इस वजह से आप अपना कोर्स प्रेफरेंस एडिट कर सकते हैं आपके रैंक के अनुसार। आप अपना, तो आपकी रैंक कितनी है आप अपने रैंक के अनुसार अपना कोर्स प्रेफरेंस एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एक फ़ायदे की बात है, आप रजिस्ट्रेशन जब भी करेंगे वहाँ नेक्स्ट में आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है। बाकी और अपना आईडी लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, पर्सनल डिटेल, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, स्कोर कार्ड, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको स्कोर कार्ड देखना है, तो आप स्कोर कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड शो करेगा, ये पर्सनल है, किसी का आपको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाउनवर्ड स्कोर कार्ड आपका शो होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आप देखिए क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये आपके जो सामने विंडो ओपन होकर आएगा, देखिए आप स्टेप बाय स्टेप समझिए क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, ठीक है। देखिए जैसे आपने फिल किया, यहाँ अलॉटमेंट डिटेल दिखा रहा है, ठीक है। अलॉटमेंट डिटेल दिखाने के बाद यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर सारी चीज़ें देखिए आपको डिटेल वाइज दी रहा है, यहाँ पर राउंड वन फेज वन दिखा रहा है, राउंड वन फेज वन, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, नीचे जाएंगे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो फीस है 500 रुपये है रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको और भी डालेंगे, यहाँ क्या करना है आपको डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे सबमिट करेंगे आपको उसके बाद आपको पेमेंट करना है, जैसे पेमेंट करें आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फेज वन का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अब कितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके अनुसार जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं को काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट के लिए आएगा, तो वो सीट अलॉटमेंट के लिए आगे जब फेज नेक्स्ट फेज में जाएंगे तो मतलब जो आगे ऑप्शंस आएंगे उसमें आपको डिटेल अपना, मतलब जो भी आपको सामने ऑप्शन आएगा उसके अनुसार आपको फिल करना पड़ेगा, फिल करने के बाद आपको सबमिट करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत है, आपके कितने नंबर है, अपना रैंक और अपनी कैटेगरी हमें ड्रॉप करिए कमेंट में, तो हम आपको बताएंगे, या फिर हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, वहाँ पर मैं आपको ऑप्शन जो भी जानकारी होगा देता रहूँगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी डिटेल और भी अच्छी जानकारी के लिए। आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।